hello i welcome you all once again to my channel explore education <coughs> i am dr rashmi singh assistant professor department of education ss khanna girls degree college university of allahabad <coughs> it is my email id and the lecture will be in bilingual mode and the, today i am going to discuss a very important and revolutionary concept in the uh, educational scenario that is deschooling okay and the lecture will be useful for various competitive teaching examinations as well as for your regular ba ma and ba jmet courses okay so let's start <coughs> de schooling de ka matlab hota hai rahit hai yeah? na matlab usko without without schools ya usme se absence of school usko usme se minus kar diya hai cut kar diya yeah? <coughs> to, <coughs> de hai hai na तो डी schooling ऐसा concept है अभी उसको पढ़ेंगे उसके पहले जाने कि स्कूलिंग क्या है, है ना जनरली तो हम लोग ये बात करते हैं कि स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों को स्कूल भेजना है उनको अनिवार्य और कंपलसरी एजुकेशन उनको अ, अ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है इस तरीके की बातें की जाती हैं और अभी हम बात कर रहे हैं डी स्कूलिंग की तो इसका क्या औचित्य है तो इसके पहले जानते हैं थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में ये पैटेगॉजी ऑफ द दस्ट इतनी फेमस बुक हुई है और इतना इसको कोट किया जाता है इतनी इस पर बातें होती है, इतना ये अपने समय में था क्रिटिकल <coughs> और पॉलो फ्रेरे पर भी मेरा एक वीडियो है अगर आपके पास समय हो तो आप उसको सुन सकते हैं तो थोड़ा सा आपको क्रिटिकल पैटेगॉजी से क्लियर हो जाएगी <coughs> तो इन गला मेरा अभी भी ठीक नहीं है लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन लगे हुए हैं और ये मैटर बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है इसलिए खराब गले के साथ एक बार फिर प्लीज़ बी मी इन पेटेगॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ द क्रिटिकल पेडेगॉजी मूवमेंट फ्रेरे हैज़ रिवील्ड वेरियस आइडियोलॉजीज बिहाइंड स्कूलिंग जब फ्रेरे क्रिटिकल पेटेगॉजी मूवमेंट की बात कर रहे हैं जब वो पेटेगॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड लिख रहे थे क्रिटिकल पेडगॉलॉजी में उन्होंने यही कहा कि जो स्कूलिंग है वो बच्चों को पैसिव बना देती है हम्म hmm. वो उनको क्रिटिकल थिंकर नहीं बता बनाती वो अपने ऑपरेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाते है ना विद स्पेशल सॉरी स्पेशल एक्सेंट टू स्कूल्स रोल इन मेंटेनेंस एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी वो कह रहे हैं कि स्कूल जो है विद्यालय जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेंटेन करने में उसके इंटरनलाइजेशन में यानी कि हम स्कूल जाते हैं तो ये सीखते हैं कि अच्छा ये ऊपर नीचे सोशल ऑर्डर का क्रम है ये इकोनॉमिक इनइलिटी है, है ना <coughs> फिर फिर क्या कह रहे हैं फ्रेरे स्कूलिंग इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन देखिए ये क्रिटिकल पेडागोजी के के जो समर्थक हैं जो डी स्कूलिंग की बात कर रहे हैं वो देखिए एजुकेशन के खिलाफ नहीं है वो स्कूलिंग के खिलाफ है क्यों स्कूलिंग के खिलाफ है वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो स्कूलिंग है जो विद्यालय आना जाना है जो ही आपको अनुभव मिल रहा है वो शिक्षा से पूरी तरीके से भिन्न है <coughs> इसका मतलब इसका मतलब कि विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं कर रहे हैं यही तो मतलब हुआ इन फ्रेरे इज व्यू एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंसेंटियाजेशन ऑफ करंट सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस दैट प्रिसीड्स द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इमेंसिपेशन एम्ड एट ट्रांसेंडिंग सोशल इन सॉरी तो फ्रेरे कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो किसकी प्रक्रिया है वो कंसेंटाइजेशन की प्रक्रिया मतलब हमारे में ये चेतना का चेतना जागृत होनी चाहिए कि जो सोशल इनइक्वैलिटी है हम उसे, हम उनसे उससे मुक्त होने का मार्ग ढूंढ सके जो सामाजिक और आर्थिक आपका ये सरकम है ये इनक्वैलिटी उससे मुक्त होने का मार्ग दिखाने की प्रक्रिया शिक्षा होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है स्कूल क्या कर रहे हैं वो मेनटेन और इंटरनालाइज करा रहे हैं आपको सोशल ऑर्डर इकोनॉमिक इन इसीलिए ये लोग स्कूलिंग के खिलाफ हुए हम्म और स्कूलिंग इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस ऑफ मीटिंग सर्टेन एजुकेशनल आउटकम्स ठीक है मतलब कुछ शैक्षिक आउटकम है जिसको हम प्राप्त करते हैं स्कूलिंग के तहत तो दे आर नॉट अगेंस्ट एजुकेशन देखिए भाई बात निकल के आ रही है वो शिक्षा के खिलाफ नहीं है दे मेयरली क्लेम दैट दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन स्कूलिंग वो कह रहे हैं शिक्षा की जो प्रक्रिया है जो शिक्षा ग्रहण करने से हमको मिलना चाहिए था वो स्कूलिंग की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है या आप कहिए स्कूलिंग अलग है एजुकेशन अलग है या आप कहिए कि स्कूलिंग आपको एजुकेट नहीं कर रही है एंड दैट स्कूल शुड भी रिप्लेस इन फेवर ऑफ मोर इफिशियंट एजुकेशनल प्रोसेस <coughs> इसलिए कह रहे हैं कि जो विद्यालय है उनको रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए किससे ज्यादा प्रभावपूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं के समर्थन में स्कूल्स को रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए क्यूं? क्यों क्योंकि जो स्कूलिंग है वो एजुकेट नहीं कर रही है बात समझ में सॉरी अब आते हैं इवान इलिच पे इवान इलिच की ही किताब है डी स्कूलिंग सोसाइटी जिस पर जिसके बाद ये मुद्दा इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया एक अपने समय की बेस्ट सेलर बुक है ये है है ही इतना लोगों ने डी स्कूलिंग सोसाइटी सोसाइटी मतलब मतलब से स्कूल हटा दो यही तो मतलब है इसका और जो इवानी लिखा है देखिए आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए जब भी आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कंसेप्ट आउट ऑफ दी वैक्यूम नहीं जनरेट होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है पीछे कोई ना कोई बेस होता है कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है तो क्रिटिकल पेडागोजी मूवमेंट ने डी स्कूलिंग सोसाइटी की नींव रखी आप इस तरह से समझ सकते हैं ठीक है तो इवान इलिक अ कैथोलिक जेस्यूट प्रीस्ट एंड प्रॉमिनेंट मेंबर ऑफ द क्रिटिकल पेडागोजी मूवमेंट इज जनरली कंसीडर्ड एज द की थियोरिस्ट ऑफ डी स्कूलिंग ठीक है इन 1971 ही रोड द बुक डी सोसाइटी उन्नीस सौ में इन्होंने किताब लिखी विच इज एमंग मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव अकाउंट ऑफ डी स्कूलिंग टूडे मतलब आज की तारीख तक ये सबसे ज्यादा व्यापक इन्होंने चित्रण किया है डी स्कूलिंग सोसाइटी का

अनलाइक फ्रेरे फ्रेरे से कहा भिन्न रूट ऑफ़ इंप्रूविंग एजुकेशन एंड स्कूलिंग थ्रू वेरियस इंटरवेंशन देखिए फ्रेरे ने भी स्कूलिंग की uh, को क्रिटिक की दृष्टि से देखा लेकिन वो वो इस तरह से देखते थे कि आप एजुकेशन और स्कूलिंग को बहुत सारे इंटरवेंशन के थ्रू कर सकते हैं मतलब के नाम से देश दुनिया जनता को जागरूक किया लेकिन इलिख क्या कहते हैं ये कहते हैं बिलीव दूशनलाइज एजुकेशन एंड स्कूलिंग बियॉन्ड रिपेयर मतलब ये उनसे भी बड़े आलोचक हो गए उन्होंने कहा कि रिपेयर किया ही नहीं जा सकता स्कूलिंग को जो एजुकेशन की व्यवस्था चल रही है इसका मतलब आपको हटाना ही होगा इसीलिए इन्होंने कहा कि समाज से विद्यालयों को हटा दो <coughs> क्यों मेन मुद्दा क्या है इसके पीछे कि जो विद्यालय हैं वो सामाजिक और आर्थिक असमानता को मेंटेन करने का काम करते हैं ठीक है अच्छा और आ... और डी स्कूलिंग पे क्या कहा लिखने डी स्कूलिंग मूवमेंट इज ए टेंडेंसी ऑफ मेकिंग द चिल्ड्रेन विदड्रॉ फ्रॉम ट्रेडिशनल स्कूल एजुकेशन यही तो मतलब है ना कि जो ट्रेडिशनल स्कूल सेटिंग चल रही है आप उससे बच्चों को निकाल लीजिए स्टेटिंग दैट स्कूल्स आर नॉट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग द दार्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड दे मेक द अनवर्ल्डली वो कह रहे हैं कि जो विद्यालय है जो शिक्षा है वो बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने का काम नहीं कर रही है उसके लिए प्रदान कर रही है और उसने बच्चों को क्या कह दिया, संसार से कि जो हमारी फॉर्मल स्कूलिंग व्यवस्था है जो औपचारिक विद्यालय व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर महत्ता देती है रटने पर रट के आपकी स्मृति कितनी आपने <coughs> सॉरी कितना सुधार लिया है uh, मतलब एग्जामिनेशन में सिर्फ मेमोरी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं आपके मेमोरी स्ट्रांग uh, है आप बहुत अच्छे से रट के आए आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे बहुत अच्छे आपके नंबर मिलेंगे एप्लीकेशन में application सवाल ना पूछे जाएंगे ना आप कोई अपने ज्ञान का एप्लीकेशन करेंगे सिर्फ रटने से काम चल रहा है है ना तो टीचर डोमिनेटिंग स्कूल इट मस्ट फिलर नेवर मेक्स चिल्ड्रन डेमोक्रेटिक देखिए हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जितने भी उस वक्त के विचारक हैं उसके संग डी को जोड़ ली जाएंगे डेमोक्रेसी पे बहुत महत्वपूर्ण बल दिया है ना कि डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट इज द बेस्ट इन्वायरमेंट ये कह रहे हैं कि जो स्कूल वातावरण होता है आप चाहे जितना भी आप कहिए कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात कीजिए लेकिन टीचर को जो महत्ता है जो डोमिनेंस उसके पास है उससे आप बच्चे को कभी लोकतंत्रात्मक चीजें नहीं बता पाएंगे है ना

तो जो स्कूल है सो दैट दे आर नॉट एबल टू कीप यूनिक स्टाइल ऑफ लीविंग हम यूनिक तो बनाते ही नहीं है बच्चों को हमको क्या हम हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को क्या बना रही है एक जैसा <coughs> सारे बच्चे एक जैसा करिकुलम पढ़े एक जैसे कोर्सेज ऑप्ट करें एक जैसे कुछ कोर्सेज कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है वही करें जबकि हमको पता है जब हम जब हम हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात बात करते करते हैं, हैं ये कि हर बच्चा अलग है तो हर बच्चा अलग बनना भी तो चाहता है हर बच्चे में अलग कुछ बनने की कैपेसिटी है पावर है, है. Hmm. तो मतलब सत्य बात है कि विद्यालय व्यवस्था ने बच्चों की रचनात्मकता का नाश कर दिया है क्योंकि हम उनसे कहते हैं कि एक तरीके के सवाल लिखिए एक तरीके से चलिए ज्यादा उनको कुछ हम डेविएट होने का मौका नहीं देते है <coughs> ना तो जो हमारा प्रोफेशनल स्कूल सिस्टम है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, किसके कितने मार्क्स आए उसी से जज किया जाता है कि वो अच्छा है कि खराब जबकि मार्क्स बाई चांस हो सकते हैं सब्जेक्टिविटी फैक्टर से हो सकते हैं या आ, सिर्फ हमको इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक ओरिएंटेड और, थोड़ी होना है हमको तो और भी पक्षों की जांच करनी है ना एस्थेटिक सेंस भी डेवलप करना है क्रिएटिविटी भी डेवलप करनी है <coughs> फिर The hectic and strict schedule at schools never provide an opportunity to keep contact with nature. itna hectic schedule hai examination hona hai ye program hai wo program hai बार-बार syllabus cover करना है, timely examination कराने हैं, तो हम nature से हमारा कोई contact नहीं रह जाता, ना ही हमारे पास opportunity होती है कि हम students को nature के समक्ष ले जाएं। <coughs>

और क्या कह रहे हैं ईमान लेले और भी बहुत कुछ कह रहे हैं ही सीड स्कूलिंग द मास कंपलसरी पब्लिक स्कूल्स एज प्रोवाइडिंग एन इंडक्शन इनटू ए वे ऑफ लाइफ व्हिच इज कंज्यूमरिस्ट पैकेज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज एंड कोर्स है ना इस तरीके का इंस्टीट्यूशन में बस हम उसी के हिसाब से सोच रहे वही हमारे अपनी ना कोई सोच है ना कोई सोच जनरेट हो रही है और ये सब कर रही है स्कूलिंग और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स हमको मिलते हैं वो हमारी दक्षता नहीं नापते हैं सो मच एस अटेंडेंस एट स्कूल्स <coughs> देखिए कितनी अच्छी बात है ही सीज एजुकेशनल क्रीडेंशियल सॉरी सॉरी अब थोड़ा गला साफ हुआ उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स है हमारे हम फर्स्ट आए हमको ये स्टार मिला वो स्टार मिला वो हमारी दक्षता से ज्यादा हमारी उपस्थिति विद्यालय में नापी जाती है तो ये नहीं होना चाहिए ही क्लेम्स इट इज पेटेंटली फॉल्स टू क्लेम दैट मोस्ट लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ टीचिंग वो कह रहे हैं कि और ये भी एक भ्रम है एक मिथ्यात्मक बात है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो शिक्षण का नतीजा है नहीं वो कह रहे हैं ऑन द कंट्रीरी द टीचर इन अ मॉडर्न स्कूल इज इनफैक्ट एक्टिंग इन थ्री रोल्स वो कह रहे हैं कि आजकल का जो शिक्षक है

उसने कहा कि प्यूपिल को स्कूल मतलब एकदम स्कूल में उसको स्कूल्ड कर लिया गया है और वो कन्फ्यूज टीचिंग विद लर्निंग और बच्चा क्या करता है टीचिंग को लर्निंग से कन्फ्यूज करता है ग्रेड एडवांसमेंट को शिक्षा से कन्फ्यूज होता है डिप्लोमा को कॉम्पिटेंस से कंफ्यूज करता है इनफ्लुएंसी विदिलिटी टू से समथिंग न्यू यानी कि हम इस तरह से स्कूल्ड हो गए हैं हम मतलब बच्चे भी और शिक्षक भी कि उनको लगता है कि जो शिक्षण है वही अधिकम है उनको लगता है हमने ग्रेड में एडवांसमेंट हो गया तो हमको शिक्षा मिल गई ऐसा नहीं है उनको लगता है हमको डिप्लोमा मिल गया तो हमको दक्षता मिल गई ऐसा नहीं है <coughs> <coughs> ठीक है और हम कुछ नया हल्का-फुल्का सीख जाते हैं तो हमको लगता है हम फ्लुएंट हो गए ऐसा भी नहीं है यानी कि स्कूलिंग ने हमको इस इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया अकॉर्डिंग टू इमान लीजिए इमान लीजिए कह रहे मैं नहीं कह रही हूं ठीक है <coughs> इसके अलावा इवान एलच नहीं थे पोलो फ्रेरे नहीं थे बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे कि डी स्कूलिंग इज कम्पल्सरी इज नेसेसरी और जैसे कि एक जूलियो रोगेरो नाम के शिक्षाविद हुए इट इज़ एसेंशियल टू डी स्कूल स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं डी स्कूल करना जरूरी है क्यों To them from the आप उस, उनको आपको यही 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 पढ़ना है उससे दूर कर सकें <coughs> दूसरी वो जानते हैं इन रिपीटेड बार बार वही बात की जा रही है उन सबसे अगर हमको दूर करना है तो बच्चों को आपको डी स्कूल करना पड़ेगा

the 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 academic success of the students, students curriculum and other factors that end up producing exhausted teachers and students who do not enjoy or potentialize their learning. वो कह रहे हैं इतना focus है एग्जाम की तुम्हारे सौ में नब्बे नंबर ही आने हैं कि जो इससे निकलता क्या नतीजा क्या होता है टीचर्स और students एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और वो बिल्कुल भी अपने अधिगम के विभाव को पोटेंशियल को एंजॉय नहीं करते और एक्टिव में पेडोलॉजिकल रिन्य मूवमेंट के भी इसे ये बिलोंग करते थे और ये सहमत थे कि

जब बात हो रही थी दी स्कूलिंग की जब ये किताब आई होगी पूरा मतलब समाज संसार स्कूलों से भरा पड़ा था हर जगह विद्यालय थे विद्यालय अचानक से आप ये बात करते हैं कि विद्यालय से बच्चे को विड्रॉ कर लो तो भाई क्रिटिक भी तो होंगे ना जो कहेंगे कि अच्छा तो विद्यालय से बच्चों को विड्रॉ कर लो तो क्या बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं कुछ जानेंगे नहीं तो एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था इलिक ने प्रोवाइड की और उन्होंने कहा नहीं सीखेंगे बच्चे जानेंगे लेकिन उसके लिए उनको स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है वो कह रहे हैं इलिक डेवलप्स अ रेडिकली डिफरेंट रिस्पांस टू द क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन उन्होंने शिक्षा के प्रश्न पर एक <coughs> दूसरा रेस्पॉन्स दिया उन्होंने कहा ही प्रपोजेस डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज स्केल नॉन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन मत बनाइए है, है ना

एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें uh, उन तक पहुंच हो पहुंचने के लिए सुविधा हो फॉर्मल लर्निंग के लिए लेकिन आप इंस्टीट्यूशन मत बनाइए स्किल एक्सचेंजेस अगर आपके पास स्किल है तो आप उसकी लिस्ट बनाइए और वो कंडीशन बताइए जिससे आपसे वो स्किल्स सीखी जा सकती है और अपना एड्रेस बता दीजिए कि आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है ठीक है

<coughs> और लास्ट में रेफरेंस सर्विसेज टू तो एजुकेटर्स एट लार्ज हु कैन बी लिस्टेड इन ए डायरेक्टरी मतलब एक डायरेक्टरी हो जिसमें पता हो उनका मोबाइल uh, नंबर मतलब कॉन्टेक्ट नंबर हो उन तक पहुंचा जा सके कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है कौन सी स्किल्स उनके पास हैं गिविंग द एड्रेस एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोफेशनल्स पैरा प्रोफेशनल्स इन फ्री लासर अलॉन्ग विध कंडीशन ऑफ एक्सेस टू देयर सर्विस और वो कैसे अपनी सर्विस आप तक प्रोवाइड करेंगे उसकी कंडीशन भी उसमें लिखी हो तो जिसको जाना हो जो बिलिंग हो जाके सीख सीखें इस तरीके की उन्होंने बात की मतलब मेन थीम क्या है कि स्कूल जो कि आपका सोशल इनिक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं आप उसको हटा दीजिए लेकिन बच्चे समाज में आवागमन से एक दूसरे से पीयर मैचिंग से स्किल एक्सचेंज से सीखते रहें ठीक है और रिलेटेड कंसेप्ट देखिए दो इससे रिलेटेड कंसेप्ट समाज में प्रचलित हुए डी स्कूलिंग के बाद एक तो अनस्कूलिंग और एक होम स्कूलिंग <coughs> होम स्कूलिंग देखिए ज्यादा पॉपुलर है अक्सर हम लोग पढ़ते हैं ना कि उन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की इस तरह से और अनस्कूलिंग तो है कि आप स्कूल रखिए ही नहीं अनस्कूलिंग इज बेस्ड ऑन ए वेरी सिंपल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न टू लर्न वो कह रहा है कि चूंकि मनुष्य का जन्म ही सीखने के हुआ है तो आप उसको विद्यालय क्यों भेज रहे हैं <coughs> कह रहे हैं जैसे मनुष्य पैदा हुआ है से लेके जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक, तक वो सीखता ही रहेगा उसका बेसिक नेचर ही है सीखने का, तो आप उसको स्कूल में भेजिए वो अपने आप सीख लेगा उसकी इन टेंडेंसी है कि उसको सीखना है लेकिन होम स्कूलिंग क्या कह रहा है बट ऑफर्स ए रेडिकली डिफरेंट सोल्यूशन लेकिन ये दूसरा डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ये क्या कहता है

स्कूल में जाने पर गलत आइडियोलॉजी बच्चा सीख जाएगा गलत चीजें सीख जाएगा तो वो जो सिखाना चाहते हैं वो या जो स्कूल में नहीं सीखा जाता है वो उसके लिए वो ट्यूटर को टीचर को घर पे ही बुला के बच्चे को पढ़वा लेते हैं सिखा लेते हैं सिखा ठीक है <coughs> तो ये अन -स्कूलिंग और होम स्कूलिंग ये दो कंसेप्ट डी स्कूलिंग के साथ साथ डेवलप हुए यू कैन से और क्रिटिक देखिए इतना रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट आप देंगे रिवोल्यूशनरी तो क्रिटिक तो होगा ही तो जेनरिक ने क्रिटिक्स को क्लासिफाई किया है पांच ब्रॉड हेड में फ्रीडम ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल सोशलाइजेशन ग्रुप सोशलाइजेशन एंड प्रिविलेज वो कह रहे हैं कि आपने बच्चे को फ्री छोड़ दिया ना भाई स्कूल ने तो बांध रखा था उसको कि आओ इसी वक्त एंट्री होगी तभी एग्जिट होगा यही कोर्स पढ़ना है इतने समय रुकना है पर आपने उसको फ्री कर दिया कि अपने हिसाब से चुनो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है लेकिन हर बच्चा इतना इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है सेल्फ गाइडेड नहीं है अगर आप उसको था फ्रीडम दे देंगे तो उसका मिस भी कर सकता है और फिर ऐसे लोगों को संभालना आपकी सोशल रिस्पॉसिबिलिटी हो जाएगी पहली बात बात दूसरी ऑटोनॉमी वो कह रहे हैं कि पर्सनल ऑटोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल स्पेंड देयर टाइम हम किस तरह से अपना समय खर्च करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि स्कूलों का काम सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना नहीं था बल्कि जितने समय के लिए माता पिता वर्क प्लेस पे हैं उतने समय के लिए उनको रोक के रखना भी है

ग्रुप सोशलाइजेशन स्कूल न सिर्फ आपका इंडिविजुअल सोशलाइजेशन करते हैं बल्कि आपको ग्रुप नॉम्स नॉलेज स्किल्स भी सिखाते हैं तो अगर आप ग्रुप uh, सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है सोशलाइजेशन में इंडिविजुअल सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है आपका तो दिक्कत है और प्रिविलेज वो कह रहे हैं कि प्रिविलेज पीपल ही हैं जो अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग को प्रेफर कर सकते हैं हर कोई नहीं कर सकता है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो ये सारे क्रिटिक हुए आपके अनस्कूलिंग के हैं मेनली लेकिन ये डी स्कूलिंग में भी काम करेंगे कि फ्रीडम ऑटोनॉमी इंडिविजुअल सोशलाइजेशन ग्रुप सोशलाइजेशन और प्रिविलेज। आई एम सो सॉरी है ना मेरा थ्रोट बहुत तकलीफ दे रहा है ठीक नहीं हो रहा है और यही एग्जामिनेशन का टाइम लगा हुआ है तो मतलब आई आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन तो आज बहुत ही है। आपको क्रिटिकल पेडोलॉजी पता होना चाहिए आपको में कंसेप्ट रखा कितना ये मतलब आंदोलनकारी कंसेप्ट था जब सब जगह स्कूलिंग की बात हो रही तो आप डी स्कूलिंग की बात करें फिर आपने उसके पक्ष में इतना सारा कुछ बताया कि वो मेंटेन और इनहेरेंट कर रहा है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को तो आप स्कूल्स हटा दीजिए लेकिन इन तरीकों से पीयर मैचिंग से स्किल एक्सचेंज से रेफरेंस सर्विसेज से आप बच्चों को शिक्षित -शिक कर सकते हैं क्यों क्योंकि स्कूलिंग और एजुकेशन एक नहीं है इन अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पेटोलॉजिकल मूवमेंट पीपल इन अकॉर्डिंग टू फ्रेरे इन अकॉर्डिंग टू इमान तो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन ओके डन फ्रॉम माई साइड